हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हल्दी, आज हम बात करेंगे हल्दी के बारे में। हल्दी एक ऐसी चीज है जो हमारे घर में तरक्की लेकर आती है और जिसमें बहुत ही गुण होते हैं। मतलब खाने में तो गुण होते ही हैं इसके अंदर, और इसके उपाय भी अगर आप जानेंगे तो अचंभित रह जाएंगे कि हल्दी इतनी पावरफुल होती है कि हमारी जितनी भी परेशानी है, नकारात्मक जितनी भी शक्तियां हमारे घर में हैं, उनका सबका सफाया कर सकती है। इतनी ताकत होती है हल्दी में। हल्दी से देखो बीमारियां तक सही हो जाती हैं, चोट के घाव भर जाते हैं। हल्दी एक अपने आप में ही ऐसी अच्छी चीज है कि हल्दी से जो आप उपाय करते हैं वो भी सही हो जाते हैं। माना जाता है कि हल्दी जो होती है वो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। जहाँ पर हल्दी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। देखा है कि आपने ब्याह शादी मांगलिक जितने भी कार्य होते हैं, हल्दी का प्रयोग सबसे पहले उन चीजों में किया जाता है। और ऐसे ही हल्दी से ही हमारा जो गुरु होता है वो मजबूत होता है। माना जाता है कभी हमारी मान लो तरक्की रुक जाती है तो कहा जाता है कि क्या पता गुरु नाराज हैं। तो यही कारण होता है कि हल्दी जो होती है वो बृहस्पति गुरु भगवान की होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है जहाँ पर ये हल्दी का उपाय होता है। उस उपाय के बारे में बताऊंगी, तो पहले हम समझ लेते हैं क्या है हल्दी। जो होती है वो एक ऐसी चीज होती है जो हमारे घर में नकारात्मकता सारी दूर कर देती है। तो आपको क्या करना है, हल्दी एक लोटा लेना है और लोटे के अंदर आपको पानी भरना है। उसके अंदर एक दो चुटकी आपको हल्दी डालनी है। हल्दी डालने के बाद एक आम का पत्ता ले आइए आप। उस आम के पत्ते से आपको वो हल्दी वाले पानी को अपने घर में सारे में छिड़कना है। ये आपको ऐसा बृहस्पतिवार के दिन ही करना है। बृहस्पतिवार कितने बृहस्पतिवार करोगे उतना ही आज आपके लिए अच्छा होगा। आपका जो बृहस्पति है वो मजबूत होगा, आपका जो गुरु है वो मजबूत होगा और आपकी जितनी भी परेशानी है, कहते हैं धन संबंधी जितनी भी परेशानी होती है वो हमारे गुरु के गिरने से होती है। हमारी तरक्की नहीं हो रही, हमारे घर में बीमारी आ रही है या कोई भी मंगल कार्य होने में अड़चने आ रही हैं या हमारे बच्चों की किसी विवाह में मुश्किलें आ रही हैं, तो बस ये हल्दी के ही चमत्कार हैं जिससे आप अपने घर की सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आपकी विशेष मनोकामना है आप करिए। एक उपाय बताती हूँ आपको, एक लेनी है कागज, कोई सा भी आप कागज ले लीजिए, कैसा भी ले लीजिए आप कागज, उसके अंदर डाल दीजिए एक चुटकी हल्दी और वो अपने इष्ट देव के पीछे या अपने माँ लक्ष्मी के पीछे, अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति है तो उस माँ लक्ष्मी की मूर्ति के पीछे आपको छुपके से दुबका देना है। उसे आप देखेंगे कि वो दुबकाते ही आपके घर में कैसे वो कार्य संपन्न होता है, पता नहीं लगेगा आपको वो कार्य कैसे ही संपन्न हो गया। बहुत ही अजूक उपाय है, करा हुआ उपाय है, सफल उपाय है। करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना अगर आपका काम हो जाता है तो बहुत ही अच्छा उपाय है। और हल्दी जो होती है हमारे घर में बरकत लेके आती है, वहीं हल्दी के प्रयोग से हमारी सारी बीमारियां भी सही हो जाती हैं। ज्योतिष में जो है हल्दी का विशेष महत्व बताया गया है। देव गुरु का जो संबंध होता है वो हल्दी से ही होता है। हल्दी से इतने उपाय होते हैं कि बताते बताते मैं परेशान हो जाऊंगी। और इतनी अच्छी चीज है हल्दी, जो आप छोटे से जो ज्यादा ही अचूक उपाय है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप जरूर करें, आपको बहुत ज्यादा तरक्की मिलेगी। हल्दी और नमक, अगर आप रसोई में हल्दी का डिब्बा रख रहे हैं, हल्दी और नमक का डिब्बा एक साथ नहीं रखें। कहते हैं जैसे मसालदानी होती है, मसालदानी में क्या करते हैं हम, नमक भी साथ में रख देते हैं। नमक कभी भी हमें साथ नहीं रखना चाहिए हल्दी के, आप नमक और हल्दी को दूर दूर ही रखें। और नमक जो रखना चाहिए आपको एक बोट में अलग से रखना चाहिए, कभी भी मसालदानी सब मसालों के साथ नमक कभी भी नहीं रखना चाहिए, आपके घर में उन्नति रुक जाएगी, परेशानियां आपके घर में आ जाएंगी। तो अब बात हो रही है लेकिन हल्दी की तरफ ही बढ़ते हैं हम। जैसे मान लो हल्दी और हम नमक रख देते हैं, उससे क्या होता है, मतलब जो कन्फ्यूजन होती है वो बढ़ती चली जाती है, जो बरकत होती है वो रुक जाती है। तो इन चीज़ों से बचो। तो आगे बढ़ते हैं हल्दी की तरफ ही। अगर जैसे कि हमारा गुरु कमजोर हो जाता है तो क्या होता है, हमारे दंपत्य जीवन में परेशानी आने लगती है। तो हमें क्या करना है, हमें उस हल्दी वाले पानी से नहाना है,
बृहस्पतिवार को हमें सुबह नहाना है। और सुहागन महिलाएं, सुहागन महिलाएं क्या, औरतें आदमी किसी को भी बाल नहीं धोने चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन साबुन लगा के सिर बिल्कुल भी सिर से नहीं नहाना चाहिए, हमें नीचे नीचे से नहाना चाहिए। और सुहागन स्त्रियों को खास तौर से बाल नहीं धोने चाहिए बृहस्पति वाले दिन, और ना ही लड़कियों को। इससे हमारे घर में नकारात्मक प्रभाव तो पड़ता ही है, हमारे जो रिश्ते होते हैं मियां बीवी के वो भी कमजोर होने लगते हैं। और हल्दी पे आप अपनी बाउंड्री वॉल पे एक हल्दी से रेखा खींच दीजिए, बहुत अच्छी मानी जाती है, आपके घर में नकारात्मकता कभी जन्म नहीं ले सकती। अगर आपके बाउंड्री वॉल नहीं है तो आप ऐसे करिए, मुख्य दरवाजे पर जाइए, मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ आप सतीय बना दीजिए, हल्दी के सतीय बनाइए, बहुत ही शुभ माने जाते हैं। माँ लक्ष्मी खींची हुई आएंगे आपके घर में, कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। हल्दी एक ऐसी चीज है, आपके घर में नकारात्मक शक्ति बिल्कुल भी नहीं आ सकती। हल्दी तो मांगलिक कार्यों में इतनी यूज होती है कि मैं बता नहीं सकती आपको, हर चीज में, बर्थडे हो किसी का तो तिलक हो रहा है और हल्दी के प्रयोग से हल्दी लगाई जाती है, बहुत चीजें होती हैं, हल्दी मांगलिक कार्यों में बहुत यूज करी जाती है। सूर्य को एक, जैसे कि घर में परेशानी है आपके या कोई भी विवाह में अड़चन आ रही है, तो आपको क्या करना है, एक लोटा जल, हाँ जी एक लोटा जल लेना है, उसके अंदर एक चुटकी हल्दी डालनी है और वो जल आपको सूर्य देवता को चढ़ाना है। जैसे जैसे आप सूर्य देवता को वो जल चढ़ाते हैं, देखोगे कि जितनी भी हमारी परेशानी है, विवाह संबंधी खास तौर से परेशानी है, वो जल्दी ही हमारी खत्म होने लगती है और हमारे घर में सुख संपन्नता बन जाती है। तुलसा जी में हल्दी का पानी जरूर डालें, इससे तुलसा जी हरी भरी तो रहती ही हैं और हमारे घर में खुशियां भी लेकर आती हैं, हमारे घर की जो होती है नकारात्मकता वो बिल्कुल सही हो जाती है। आपके पेट से संबंधित कोई परेशानी हो गई है, बीमारी है, तो आपको क्या करना है, हल्दी का दान करिए। हल्दी का दान करने से हमारे जो पेट संबंधी बीमारियां हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। दैविक गुण होता है शक्ति में, दैविक शक्ति होती है। तो आपको क्या करना है, हल्दी के डिब्बे के अंदर आपको डालनी है 5 लाल मिर्च, हाँ जी हल्दी के अंदर आपको 5 मिर्च डालकर रखनी है। जब भी आप प्रयोग करें हल्दी के, मिर्च हटा दीजिए, उसी में ही रहने दीजिए और हल्दी यूज कर लीजिए। उससे क्या होता है, हमारे घर में जितने भी टोने टोटके कोई करता है वो वापस उसी के पास चले जाते हैं और हमारे घर में कोई उसका टोना टोटका काम नहीं करता। ये बहुत ही अचूक उपाय है, आप जरूर अपने हल्दी के डिब्बे में इसको डालना। वीडियो उपयोगी लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो आपको आगे वीडियो मिलती रहे, और कमेंट में लिखना ना भूलना। जय मां लक्ष्मी।